जाती है उन चीजों के जो पाई नहीं जाते। फिर हमने इस गुफ्तगु को आगे बढ़ाया कि कायनात की जो चीज पाई जाती है वो हाथ से खाली होती है या उनका ताल्लुक जमादात से है या उनका ताल्लुक नबातात से है या उनके अंदर नमू करने की सलाहियत पाई जाती है या नमू की सलाहियत नहीं पाई जाती। तो जिनमें नमू की सलाहियत पाई जाती है नश और नुमा पा सकते हैं, तरबियत पा सकते हैं, जिनके अंदर सलाहियत है उनके इस्तेदाद में इजाफा होने की, तो उसको एक अजमत हासिल है, उसको एक बरतरी हासिल है उस चीज के निस्बत जिसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है आगे बढ़ने की। तो जो चीज आगे बढ़ सकती है, तरक्की कर सकती है, नशोनुमा पा सकती है, जिसके अंदर तरबियत के आसार मुरतब हो सकते हैं, तरबियत की जाए तो तरबियत को कबूल कर सकते हैं, उनको फजीलत हासिल है उनके ऊपर जो कि तरबियत को कबूल नहीं करते। तो लिहाजा जिसमें नामी या नबाता इनको फजीलत हासिल है। फिर ये बताया कि नबातात भी जो नू करते हैं, नश नुमा करते हैं, जिनमें बढ़ोतरी होती है, जो इजाफी होते हैं, बढ़ते हैं, उनको भी दोहाल से खाली नहीं है या उनके अंदर एहसास की कुव्वत है, एहसास की कुव्वत नहीं। अगर इदराक की कुव्वत रखते हैं, एहसास की कुव्वत रखते हैं, उस बात को शऊर करते हैं, समझते हैं, तो उनकी मंजिलत, उनका रुतबा ज्यादा। और जो एहसास करते हैं इनकी भी दो सूरतें बनती हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो साहिब अक्ल हैं और कुछ ऐसे जो साहिब अक्ल नहीं। मसलन एहसास की कुव्वत जानवरों में भी है, हत्ता नबातात में भी है, लेकिन साहिब अक्ल नहीं, साहिब अक्ल इंसान ही। अब साहिब अक्ल की भी दो किस्में बताई, एक है आलिम और एक है जाहिल। आलिम की जो मंजिलत है, आलिम का जो रुतबा है, एक पढ़े लिखे इंसान दानिशमंद का जो रुतबा है वो जाहिल का रुतबा नहीं। ये आलिम का रुतबा क्यों है? इस वजह से क्योंकि वो अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल है। तो अगर अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करे तो फिर वाहन वो उसने देखा आलिम के सामने कोई बात आई, उसने देखा कि यहाँ इल्म को जाहिर करना चाहिए। अगर इल्म को जाहिर करता तो आप अपनी अक्ल के मुताबिक काम करता। जहां इल्म के खर्च करने, बज़्र करने और लोगों के देने की बात, वहाँ इल्म पे पर्दा नहीं डालता, छुपाता नहीं। तो कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि मालूम है कि एक तरफ अपना भाई है, अपना बाप है, अपना अजीज है, पर वो गलत कह रहा, और एक तरफ दूसरा इंसान है जो सही कह रहा। अब एक ऐसा साहिब अक्ल जो उनके सामने मौजूद हो, अब वो साफ बोलता है, अक्ल के तकाजे के मुताबिक बोलता है, तो बाप की मुखालफत होती है, बेटे की मुखालफत होती है, ठीक है। और अगर अक्ल के तकाजे के मुताबिक न बोले, ख्वाहिशात से बोले, तो ये अक्ल के मेयार का कोई फायदा नहीं, अक्ल के देने का कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा चाहे बाप के हक में गुफ्तगू हो, औलाद के हक में गुफ्तगू हो, बात उसे वही करना है जो मेयार अक्ल के मुताबिक हो, चाहे बाप नाराज, बेटा नाराज, सामिनी नाराज हो, लेकिन अक्ल वाली बात कहनी है, मेयार इल्म के मुताबिक बात। हम आपकी खिदमत में एक किताब लेके आए हैं और इंशाअल्लाह चूंकि ये जो दर्स है, जब दर्स है तो दर्स के उनवान से गुफ्तगू भी होगी। सबसे पहले हमारे उलमाए किराम जब भी अहादीस की किताब की इब्तिदा करते हैं, बिलखुसूस बुनियादी किताबें जो अहादीस की हैं,
हमारे यहाँ चार किताबें बुनियादी हैं अहादीस के सिलसिले में, उन्हीं में से एक किताब है अल काफी। पहले बता चुके हैं कि ये तीन हिस्सों में तकसीम है, उसूल, फुरू और मौला। उसूल काफी में शुरू में किताबुल अक्ल, यानी ये बताना चाहा है कि अक्ल इंसान के लिए एक हुज्जत इलाही है, पहले अक्ल के बारे में इंसान समझ लें। तो किताबुल अक्ल वल इल्म वल जहल ये हमारे सामने है, इसमें अक्ल की फजीलत के सिलसिले में आयतें पेश की गई हैं और जहालत की मजम्मत के बारे में भी आयतें पेश की गई हैं और इस सिलसिले में रिवायात और अहादीस हैं। सूरह बकरा में और मुख्तलिफ और सूरों में जब आप तिलावत क़याम में बात करें तो जगह जगह मिलता है कि अफला तदब्बर हूँ, क्या फिक्र से काम नहीं लेते, तदब्बर से काम नहीं लेते और फिक्र नहीं करते, अफला तफक्कुर हूँ, क्या लोग फिक्र नहीं करते हैं, अपने ज़हन को इस्तेमाल नहीं करते, अफला यअक़िलून, क्या लोग अक्ल से काम नहीं लेते। कभी मुखातब होकर फरमाता है अफला तअक़िलून, क्या तुम लोग अक्ल से काम नहीं लेते। हम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या दिलों पे ताले लग गए, यानी गौर करो, फिक्र करो और गौर फिक्र करने के जरिए से एक हकीकत और वाकईत को समझो। ये कुरान में बार बार आया है, यहाँ पे आयतें पेश की हैं, सूरह बकरा की आयात लायात लकौमी याकिलून और भी आयतें लअल्लकुम ताकिलून, आले इमरान में है वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, सूरह मायदा, सूरह अनाम, बहुत से सूरों की आयतें पेश की हैं जिसमें ये बताया गया है कि परवरदिगार आलम ने अक्ल को एक हुज्जत के तौर पर करार दिया। कोई इंसान बच नहीं सकता कि हमारे पास तो अक्ल है मगर ये कि हम चाहे तो अक्ल से काम न लें, इस तरह का कोई उज्र पेश नहीं कर सकता बारगाह परवरदिगार में। अक्ल दी है तो हतमन अक्ल से काम लेना, अक्ल को इस्तेमाल करना है, कोई इंसान इस उज्र से बच नहीं सकता। चुनांचे जब आयात का सिलसिला खत्म होता है, इन्होंने सूरह हश्र तक अक्ल से मुताल्लिक आयतें पेश की हैं और आयतों को पेश करने के बाद एक रिवायत जो कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब हजरत ने फरमाया उबूलुन निसाए फी जमालिहिन्न, फरमाया कि औरतों की अकलें उनके जमाल में है, उनकी खूबसूरती में है, वो खूबसूरती ही को सब कुछ समझती है। वजमाल रिजाल फी उकूलिहिन्न, और मर्दों का हुस्न, मर्दों का जमाल, मर्दों की खूबसूरती क्या है, फी उकूलिहिन्न उनकी अकलों में, यानी मर्द को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अक्ल के तकाजे पे अमल करे। देखिए लफ्ज अक्ल, अक्ल के माना होते हैं रोकना, अक्ल के माना लगत में रोकने की, यही वजह है कि एक चीज इस तरह की बनाई जाती है कि जिससे ऊंट के पैर को ऐसे दोहरा के उसे इस तरह से डाल दिया जाता है पैरों में ताकि ऊंट जा न सके, चल न सके, आ जा न सके, उसे रोकने के लिए ऊंट को एक जगह पर रोकने के लिए एक चीज पहनाते हैं, उसका नाम रखा जाता है एपार, यानी वो ऊंट को जाने से रोकने वाली चीज है। केकार अक्ल यानी रोकना, इसीलिए रिवायतों में आया है कि देखो खुदा पे तवक्कुल का मतलब ये नहीं होता कि अपने घरों को, अपनी दुकान को, अपनी वो जगह जहाँ पे क़याम है आपका, जहाँ पे आपका सामान है, उसे छोड़ के आप कहीं चले जाइए, कहीं मेरा भरोसा है अल्लाह के ऊपर, मेरा तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर। रिवायत में आया है कि एकल सुम तवक्कुल, पहले अपने घर को बंद करो, पहले अपने घर में ताला लगाओ, पहले
दूसरों के आने से घर के अंदर एक रुकावट पैदा कर दो, फिर अल्लाह पे भरोसा कर। समझ गया? एकल सुमत वक्त, इसी से अक्ल निकला है। अक्ल के माना है रोकना, क्योंकि अक्ल इंसान को बुराइयों से रोकती है। यही वजह कि कुरान ने अक्ल का एक नाम दिया है, तो उलुन नुहा। कुरान में उलुन नुहा या उलुन नुहा, उलुन नुहा, नुहा नहीं से निकला है। नहीं यानी मना करने वाली चीज, रोकने वाली चीज। तो इंसान की अक्ल जो होती है, ये इंसान को बुराइयों से रोकती है। तो इंसान का और मर्दों के सिलसिले में, खासतौर पर मर्दों का जमाल क्या है, मर्दों का हुस्न क्या है, उनकी अक्लों में रखा गया। अक्ल का सही इस्तेमाल हो, इंसान बस से बस सूरत हो, नहायत बदतरीन सूरत का मालिक हो, अगर अक्ल उसकी अच्छी है तो फिर यकीनन उसकी बड़ी कीमत, आज इस दुनिया में भी उसकी बड़ी कीमत। अक्ल की बहुत ही बकश है। चुनांचे फरमाते हुए जमाल इस सिलसिले में मुख्तलिफ बयान भी है, खुद अल्लामा मजलिसी बयान किया है, इंशाअल्लाह उस बयान को किसी और वक्त। मौलाए कायनात फरमाते हैं लुब्बुल इंसान, असलुल इंसाने लुब्बुहु, इंसान की असल उसकी अक्ल है। अगर अक्ल नहीं तो इंसान नहीं, अक्ल नहीं तो इंसानियत नहीं। असलुल इंसाने लुब्बुहु, इंसान की अक्ल क्या है, उसकी अक्ल है। तो मालूम हुआ अव्वल लुब के माना जो मौलाए कायनात ने इस्तेमाल किया कि असलुल इंसाने लुब्बुहु, इंसान की असल उसकी अक्ल है। लुब के माना होते खालिस के, इसलिए कहते हैं लुब्बु शय यानी खालिस शय। खालिस शय को अरबी जबान में क्या कहा जाता है, लुब कहा जाता है। और उर्दू भी कहते हैं लुब लुबाब, लुब लुबाब यह है, यानी खुलासा ये है, खालिसन ये है, जो इसका मुख्तसर है, निचोड़ है, वो ये है। तो लुब लुबाब के जो माना बताए गए, लेकिन मौलाए कायनात ने लुब को अक्ल के माना में फरमाया, और कुरान ने भी लुब को अक्ल के माना में इसलिए फरमाया कुरान ने उलुल अलबाब साहिबान अक्ल। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं असल इंसान लुब, इंसान की असल उसकी अक्ल है। तो मालूम हुआ कि इंसान की अगर शराफत देखना है तो अक्ल देखिए, हसब देखना है तो अक्ल देखिए, नसब देखना है तो अक्ल देखिए, सब कुछ मेयार उसका अक्ल है। इंसान के लिए आदाब मेयार है, अखलाक मेयार है, ये सारी चीज़ें अगर अक्ल के रूप में उतर रही तो ठीक, वरना अगर नसब बहुत अच्छा है अखलाक ठीक नहीं। हसब नसब का मालिक है मगर किरदार ठीक नहीं है, तो फिर उसके पास जब इंसानियत ही नहीं तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं। इसीलिए मौलाए कायनात फरमाते अन्नास मिन जिहति तिमसाले अकफाउ अबूहुम आदम वल्मुम हव्वाउ वइन यकुल लहुम मिन असलिहिम शरफुन युफाखिरून बिही फत्तीनुहुम वल्मुम। अगर इंसान आपस में फख्र व मुबाहात को एक बुनियादी शय समझता है कि हम फला से बदतर हैं, फला से बेहतर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, अगर इस तरह से है तो याद रखें कि फतीनो वलमाओ, हर इंसान की असल मिट्टी और पानी है। अगर फख्र करना है तो इसको फख्र कीजिए, आप हसब व नसब ये फख्र वाली चीज नहीं। अक्ल अगर आपके पास है तो काबिल फख्र है, तब फख्र कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अक्ल दी, मैं उसका इस्तेमाल। वाजह है, आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि मौलाए कायनात ने अक्ल के सिलसिले फरमाया कि इंसान की असल अक्ल है। जब असल अक्ल है तो फिर यहीं से शराफत भी उसके पास, यहीं से उसके पास अक्ल ही सब कुछ है, तो अदब भी उसी के पास है, अखलाक भी उसके पास। जिसके पास अक्ल है उसके पास सारी खूबियां होंगी। ये अक्ल के सिलसिले में रिवायत बयान की। उसके बाद एक रिवायत इमाम जाफर सादिक फरमाते हम सुन मन लम यकुन नफीहे लम यकुन फीहे कसीरुन मुस्तमता,
पांच चीजें ऐसी हैं कि अगर वो पांच चीजें किसी इंसान में न हो तो उसके पास फायदा उठाने की कोई ज्यादा चीज मौजूद नहीं। किसी ने अर्ज किया है, मेरे आप इंसान के अंदर पांच चीजें अगर हैं तो फिर वो पांच चीजें फायदा उठाने के लिए रखी गई है। अगर ये पांच चीजें न पाई जाए तो उसके अंदर फिर कोई खैर कोई भलाई इंसान के अंदर नहीं है। वो पांच चीजें क्या है? माहून नबन रसूलिल्लाह है फरदंद रसूल। वो पांच चीजें क्या हैं? फरमाया अद्दीन वल अक्ल। दीन, दीन अगर है तो एक कसीर फायदा कमाने के इंसान, अगर दीन नहीं तो फायदा नहीं। जगह जगह मस्जिदें बना दी जाए लेकिन कोई इसमें नमाजी ना हो तो क्या मस्जिद का फायदा? मकसद ये है कि दीनदार इंसान जो मस्जिद में आए इबादतों को अंजाम दे, ये सारी चीजें जरूरी हैं। लिहाजा महज ये कह देना कि मैं एक दीनदार इंसान हूं ये किफायत नहीं करेगा, बल्कि जरूरी है कि उसके पास दीन वाकई मौजूद हो और अक्ल हो, वल हया और हया हो, वह हुस्नुल खुल्क और अच्छे अखलाक हो, वह हुस्नुल अदब और अच्छे आदाब का मालिक हो, मिलने जुलने का तौर तरीका ठीक हो, बुजुर्गों का एहतराम हो। सरकार ने दुआ में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो भी बिजनेस करता हूँ, जो भी तजारत करता हूँ, जिस काम में हाथ लगाता हूँ कोई फायदा नहीं होता, तो कुछ आप फरमाए ताकि मैं वो काम करूँ इंशाल्लाह उससे फायदा होगा, और आप हतमन ऐसी कोई बात बताएंगे जिससे मेरा फायदा होगा। तो आपने फरमाया कि ये बताओ, जब तुम रास्ता चलते हो तो रास्ता चलने के आदाब का ख्याल रखते हो? उसने कहा कि रास्ता चलने के आदाब का ख्याल मतलब क्या है? फरमाया जब किसी बुजुर्ग के साथ चलते हो तो क्या उसकी आगे 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 चलने लगते हो? उसने कहा या रसूल अल्लाह, जब किसी बुजुर्ग के साथ मैं चलता हूँ तो असलन जहन में ये नहीं रह रहा है कि मैं एक बुजुर्ग के साथ चल रहा हूँ, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए कि मैं उसके आगे न निकल जाऊँ, या तो उसके बराबर रहूँ या उसके पीछे रहूँ, इस बात का ख्याल मेरे जहन में नहीं रहता, मैं आगे निकल जाया। उसने पैगंबर की इस नसीहत से, इस बात से समझ लिया कि हमको चलने के भी आदाब के रियायत करनी चाहिए। उसने तय कर लिया कि जब भी किसी बुजुर्ग के साथ चलूंगा तो उसके आगे नहीं जाऊंगा। रिवायात मिलता है कि उसने इस अमल को छोड़ दिया, यानी बुजुर्गों के आगे चलना छोड़ दिया, चुनांचे उसको तरक्की नसीब हुई, जो काम कर रहा था उसी में ही उसके फवायद नजर आने लगे और वो कामयाब होने लगा। तो मालूम हुआ कि चलने के भी आदाब, बैठने के भी आदाब, ये सारे आदाब की बात का तकाजा करते कि इसके पास अक्ल है, ये अक्ल से काम लेता है। मौलाए कायनात वो भी लोगों के साथ तशरीफ फरमा होते थे, बैठते थे, जब बैठते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि मौलाए कायनात, सहाबा से पूछते थे कि अली जब बैठते हैं तो कैसा लगता है, किस तरह से लगता है? लगता है जैसे कोई बादशाह है, बादशाह बैठा हो, बादशाह मकदल बैठा हो, नहायत रोब दबदबे के साथ हो, एक इस तरफ हो तो एक इस तरफ हो, तो एक खुश की तरफ हो, बाकायदा बॉडी गार्ड के साथ। फरमाया काना माना का आहदेना, अली हमारे दरमियान ऐसे होते थे कि हमें अंदाजा नहीं हो पाता था, ऐसे लगता था जैसे हमने का एक फर्क हो, कोई खसूसियत नहीं होती थी, अलग से मसनद नहीं होती थी, अलग से कोई इंतजाम नहीं होता था। ये मालूम हुआ कि इससे अली अपने आप को बाला कर दिखाना चाहते, बाकायदा इस तरह से बैठना चाहिए। यज्ञ अली सारे गुलामों को बुलाते थे, कहते थे बैठ जाओ,
बैठते थे, फिर खाना तरफ फरमाते थे, खाना आता था और सारे गुलामों के साथ बैठ जाते, और जब खाना खा लेते थे यद आपको आसा आगे अपनी उंगलियां चाटते थे। हाँ, कि जिस उंगली में अब आजकल जरासीम नजर आने लगते हैं, ज्यादा काशक और चंगार ये सब इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है, चमचा वगैरह के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। नहीं, आपका हाथ जाइए धोइए, हाथों के खाना खाइए, कोई बैक्टीरिया नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कितनी बीमारियां सिर्फ उंगली के चाटने के जरिए खत्म होती है। तो ये सब अदब है। अयुम ताहरीन ने, मौलाए कायनात ने, सरकार दो आलम ने ये आदाब सिखाई, ये आदाब ऐन अक्ल के तकाजे के मुताबिक है। तो परवरदिगार आलम ने पांच चीजें इंसानों को अता की हैं, अगर ये पांच चीजें इंसान के अंदर नहीं है तो वो फायदा नहीं उठा सकता। दीन चाहिए, अक्ल चाहिए, हया चाहिए, हया शर्म, हया और शर्म तो मतलब क्या, हया और शर्म, हया और शर्म का मतलब होता है कि दीन की जो बातें होती हैं उनके आप सीखने में हया ना करें। हाँ, वरना अगर आप उसके सीखने में हया करने लगे, हया का मतलब होता है एहतराम करने के, किसी की इज्जत करने के, अपने आप को ये ना समझे कि मैं अगर इनके एहतराम में खड़ा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं अगर इनके सामने झुक के मिला तो लोग क्या कहेंगे। इस हया को इसको खत्म करना है। कोई अगर अपने वालिद की, अपने भाई की, अपने उस्ताद की जूती चप्पल ये उठा देता, ठीक कर देता है तो कसरे शान नहीं, शान नहीं टूटेगी उसकी, उसको इन तमाम चीज़ों में हया नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। बाकायदा खुद अपने वालिद की खिदमत, अपने उस्ताद की खिदमत, अपने बुजुर्गों की खिदमत, उनके सामने इस तरह से रहे कि मालूम होता है मामूली सा खादिम, बड़ा सा बड़ा आलिम हो जाए और किसी मनसब पे पहुंच जाए, अगर वो अपने बाप की खिदमत कर रहा है तो उसकी शान में फर्क नहीं आए, ज्यादा हया और शर्म नहीं होनी चाहिए जी। तो वह हुस्न खुद, अच्छे अखलाक, हुस्न खुद को पैगंबर को इस तरह से अता किया गया कि कुरान ने इसे अजीम का लफ्ज इस्तेमाल करके कहा है कि इन नकद आना फोलो किन अजीम, अरे मेरे हबीब आप अखलाक के अजीम दर्जे पर पैगंबर से कोई ज्यादा साहिब अखलाक नहीं है, अखलाक हसना का मालिक बहुत सुनने लगा। ये पांच चीजें हैं जो इंसान के अंदर होना चाहिए, अगर है तो इससे फायदा। वह खमसुन मन लम यकुन नफीहे लम यतहन्नइल अयशो, कि अगर किसी इंसान में न हो तो जिंदगी बिल्कुल बेलज़्ज़त है। ये पांच चीजें अगर न हो तो जिंदगी बेलज्जत है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, पांच चीजें बताई हैं कि जिस इंसान के अंदर न हो तो जिंदगी बेलज्जत हो जाती है। वो पांच चीजें बहुत घबराने वाली बात नहीं है कि कोई बहुत ऊंची चीज होगी, वो उमूमी जो आम तौर पर है वही है। एक तो ये सेहत, अगर किसी के पास सेहत नहीं है तो दुनिया जिंदगी बेलज्जत हो जाती है। लम यतहन्नइल अयशो, अयश गवारा नहीं, जिंदगी नागवार। वल अमन, अमन यानी बेखौफी, अमन अमान के साथ रहना, न किसी को अपने से नुकसान पहुंचाना है न कोई और इसे नुकसान पहुंचाए। अगर इस तरह की जिंदगी है तो एक गवारा जिंदगी है, अगर इस तरह की जिंदगी नहीं है, ना अमनी की जिंदगी है, तो फिर ये जिंदगी ऐसी है कि इंसान पसंद नहीं। तो फरमाया कि पांच चीजें ऐसी, अगर इंसान के अंदर वो चीजें न पाई जाए तो जिंदगी गवारा नहीं होती, सेहत न पाई जाए तो जिंदगी बेलज्जत, अगर अमन अमान न पाया जाए तो जिंदगी बेलज्जत। वल गिना, गिना यानी बेनियाजी, इंसान दूसरे का मोहताज रहे ये कोई कमाल नहीं, जितना अल्लाह ने दिया है उसी पे इक्तफा कर लेना, ये इंसान की जिंदगी के खुशगवार होने की बेहतरीन आलाम। मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम देखिए सारी चीजें अक्ल के तकाजे के मुताबिक फरमाते हैं,
जो इंसान इख्तिसास से काम लेगा, मियाना रवि से काम लेगा, जितना कमा रहा है उसी के एतबार से काम लेगा, तो कभी मोहताज नहीं होगा। हमारी जबान में कि जितनी चादर है उसी के एतबार से फैलाए तो कभी मोहताज नहीं होगा। परवरदिगार आलम ने उसे रोजाना की कमाई में 500 रुपए दिया, उस 500 रुपए के अंदर भी अखराजात करे और उसके अंदर तहम्मुल करे, बर्दाश्त करे, किसी सूरत से खर्च को आगे न बढ़ने दे, क्योंकि 500 ही कमाई है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो माँ आलमित सदा, जो बियाना रबी से काम लेगा, किफायत शाही से काम लेगा, जो इतदाद से काम लेगा, इक्तिसाद से काम लेगा, आजकल के जमाने में इकोनॉमिक से काम लेगा, फिर वो कभी मोहताज नहीं। वल कनाअत, कनाअत ये भी एक ऐसी दौलत है, मौलाए कायनात फरमाते हैं ऐसी दौलत है जो खत्म होने वाली है। अल कनाअत माल ला यफना, ऐसी दौलत है, ऐसा माल है जो फना नहीं। और उसके बाद वल अनीसुल मुवाफिक, ऐसा दोस्त, ऐसा गमखार, ऐसा इंसान जो उसके हर दुख और दर्द और खुशी और गम में उससे मुआफ़त रखे। ये भी एक जिंदगी के खुशगवार होने की अलामत है। अगर ऐसा दोस्त नहीं है तो खुद मौलाए कायनात फरमाते फ़ख़्रुल अहिब्बति, दोस्त का न होना ही अपनी जगह एक बहुत बड़ी गुरबत है। इंशाअल्लाह ये 5 चीज़ें, दीन, अक्ल, हया, हुस्ने खुल्क, हुस्ने अदब, इनका लिहाज रखेंगे। हम सब लोग ये समझ लें कि उसी इंसान के पास अक्ल है जो अपनी अक्ल को सही इस्तेमाल करे। बताया था कि अक्ल का मतलब ही रोकना, रोकने वाली चीज, यानी बुराइयों से रोकने वाली चीज, तो ये अक्ल है। अगर इंसान अक्ल के तकाजे के अतबार से अमल करेगा तो इंशाअल्लाह उसका दीन मजबूत रहेगा। एक सलवात पढ़ें, एक मौजू है इसी से मुताल्लिक है कि कभी कभी अक्ल इंसानी रुक जाती है और किसी चीज का फैसला नहीं कर पाती। मसलन हमको ये मालूम है कि हमें वुजू करना है नमाज के लिए, गुस्ल करना है नमाज के लिए, और हमें ये मालूम है कि हमको रूह कबूला होकर नमाज पढ़ना है, सत्र और टाइम चाहिए, जगह गस भी न हो, कपड़ा भी पाको पाकीज़ा हो, सारे शरायत फराहम हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमारी अक्ल काम नहीं करती, तो अक्ल के काम न करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई रीज़न नहीं, उसकी रीज़न है मगर हमें मालूम नहीं। ठीक है, मसल कोई साहब पलट के पूछ ले कि भाई सर पे जो मसा किया जाता है इसका क्या मतलब है, क्या हिकमत है, और सामने वाले को इसका जवाब नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नहीं मालूम तो फिर उसकी कोई हिकमत नहीं, ऐसा नहीं, हिकमत है मगर हमें मालूम नहीं। ठीक है ना, तो मालूम न होना इस बात की दलील है कि हमारी जहालत है, उस शय की इज्जत को हम समझ नहीं पा रहे। मसा करना, पैर पे मसा करना, हम इसकी इज्जत को नहीं जानते। ठीक, तो अब नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इज्जत नहीं, इसकी इज्जत हतमन है, वाजह है। परवरदिगार आलम ने क्यों इस तरह से किया है कि नमाजों में इतनी रकतें रखी है, क्यों अल्लाह ने फला चीज को रखा। अगर कहीं हमारी अपने काम न करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका रीजन मौजूद नहीं, मौजूद है मगर हमें मालूम नहीं। अच्छा,
फर्ज कीजिए अइम्मा तारी ने फरमाया कि जब भी कुरान पढ़ो कुरान में तदब्बुर किया करो गौर फिक्र करो, लेकिन याद रखो मन फसर कुरान बिरायही फतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कुरान की तफसीर को अपनी अक्ल और राय से करे तफसीर करे तो उसको अपनी सीट दोजख में दफ कर लेना चाहिए, जहन्नम में अपनी सीट हाँ तलाश कर लेनी चाहिए। कुरान की तफसीर कभी अपनी अक्ल से न करना, हम बताएंगे तब कर। मासूमी ने ही फरमाया, फरमाया देखो मैं अपने बात दो गिराकर क्या छोड़ के जा रहा, एक है कुरान दूसरे अहले बैत, बगैर अहले बैत के बताए हुए अपनी मर्जी से अपनी अक्ल से कभी कुरान की तफसीर न करना, अगर अपनी अक्ल से करोगे तो तुम गुमराह हो सकते। मालूम हुआ कि कलाम इलाही के समझने के लिए हम अपने अक्ल को इस तरह से जिस तरह से हम चाहें जिस तरह से भी चाहें इस्तेमाल कर ले जाएं, इसकी इजाजत नहीं। फरमाया ऐसा शय उन अबअदा मिन उकूल रिजाल मिन तफसीर कुरान, कुरान की तफसीर से सबसे ज्यादा दूर चीज इंसान की अक्ल है। यानी कुरान की तफसीर को अगर इंसान चाहे अक्ल के जरिए से हल कर ले एक नाम वाजे है। हाँ कहीं कहीं इंसान की अक्ल फेल हो जाती है, नहीं कर सकता जब तक मासूमीन उसके हाथ को न पकड़ ले उसकी रहनुमाई न करे कुरान की तफसीर नहीं कर सकता। कोई साहब कहें ये क्या बात, अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल के जरिए से इतने मसाइल हल हो जाते हैं, हम कुरान को समझ सकते हैं। अगर ये बात है एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कभी कभी नमाज उबैला भी पढ़ने वाले भी होते हैं, तो माशाल्लाह मोमिनीन में भी इसकी तादाद ज़्यादा होती है, उसमें एक आयत पढ़ते हैं वजन नू इस जहाबा मुगावन فظن ان لن نقدر عليه ظنوا جناب یونس ظنوا جناب یونس کا نام۔ اب دیکھیں ذرا ہمارے کا متوجہ رہیے، میں آیت پڑھ رہا ہوں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں ذرا غور کیجیے۔ وظنوا جناب یونس اذ ذهب اس وقت جب وہ اس وقت کو یاد کرو جب ظنوا چلے گئے یعنی جناب یونس چلے گئے ظنوا اذ مغاضبا गुस्सा हो के चले गए। कौम को नसीहत कर रहे हैं, कौम को कह रहे हैं है कौम हिदायत की तरफ आओ, मेरी बातें मानो, खुदा और रसूल की बात मानो, अल्लाह पर ईमान रखो। ये सारी दावतें दे रहे हैं मगर लोग कबूल नहीं कर। एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो अल्लाह की खातिर नाराज हो जाते, नाराज हुए मुगाबले गुस्सा हो के चले गए। कुरान का फगन ना बस उन्होंने गुमान किया, गुमान किया कि अल्लन नकदरा अलैहे कि हम हरगिज हरगिज उन पर कादिर नहीं हैं। तो यूनुस गुमान कर रहे हैं और चले गए ये गुमान करते हुए कि हम उन पर कादिर नहीं हैं, यूनुस नबी और फिर वो गुमान कर रहे हैं कि खुदा कादिर नहीं है। तो अगर हम ये गुमान करें तो फिर कौन सा है जमा, एक नबी जैसा एक ऐसी शख्सियत जो अल्लाह की जानिब से है वो गुस्सा होके नाराज होके चले गए तो अल्लाह कहता है ज़न अल्लाह नक़दर अलैहे गुमान के हम पर हरगिज़ कादिर नहीं। इस आयत को हमने आपके खिदमत पेश कर दिया, आप बताइए आप उसे कैसे रखोगे, क्या वाकई अल्लाह कादिर नहीं है? नहीं नहीं असलन ऐसी बात, क्या उन्होंने गुमान किया कि अल्लाह कादिर है? हरगिज़ ऐसा नहीं है, मासूम है। अच्छा कुरान ने कहा है कि असा आदम और रब्बहु फगवा, आदम ने अपने रब की नाफरमानी की बस बहक गई, क्या वाकई ऐसा नाफरमानी मासूम नबी क्या नाफरमानी की? अब ये बताना क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं सारी बहस से कि अक्ल के जरिए से मसला हल नहीं होगा बल्कि मासूम आए हमारे हाथ को पकड़े कहें कि देखो आप उनसे काम न लो ये अल्लाह की किताब है। छोटी सी छोटी किताब के लिए एक टीचर ढूंढते हो और इतनी अजीम किताब पढ़ना चाहते हो और खुद समझना चाहते हो तो नहीं चाहिए।
इसके लिए हमने एक अलग से एक मुअल्लिम रखा है, जो मुअल्लिम ऐसा मुअल्लिम है कि वो अकले कुल है, कुल्ले अकल है, उसको तुमको बताए। तो बताइए, सच बताइए, जिस हिसाब से हमने आपको बताया है क्या आप बता सकती है, इसकी रहनुमाई कर सकती है कि अल्लाह ने कहा कि आदम ने नाफरमानी की और वो बहक गए। अब आप इसे फैसला कीजिए कैसे, या आप नहीं से यह फैसला कीजिए, हम्मद में ही वह मदहा जनाबे जनाबे जुलैखा ने कर्ज किया यूसुफ का, और यूसुफ ने कर्ज कर लिया जुलैखा का। अब बताइए, अगर एक जुलैखा ने कर्ज किया यूसुफ का, समझ बात आती है, हम इंसान हैं, नबी ने कर्ज कर लिया जुलैखा का, लग जाती वाजे है। अब यहां से अपने इंसानी के बस की बात नहीं है, मासूमीन इसको हल कर सकते हैं। पैगंबर ने फरमाया दो गिराह पर शेख छोड़ के रहा, बस इससे मुतमस्सिक रहना, एक कुरान दूसरे अहले बैत, बगैर अहले बैत के तुम नहीं समझ सकते। और ये भी याद रखो, अगर अक्ल से तुम कुरान के बारे में फैसला करने लगोगे तो बाद अवकात अल्लाह जिस्म के साथ आ जाएगा आपके सामने, और आप समझेंगे कि यही अल्लाह। मसलन कुरान ने कहा कि जा अरब कवल मलक वो सब फन सफा, तुम्हारा रब आया और फरिश्ते सब सब बस्ता खड़े हुए थे, इसका मतलब अल्लाह आता जाता है जैसे हम लोग आते जाते हैं। अब अगर मासूमीन दामन हमारा न पकड़े और हमें ये न कहें कि देखो इसका ये मतलब होता है, फला का ये मतलब होता है, फला का ये मतलब होता है, तो हम कैसे। अब आप एक छोटी सी आयत को ले लीजिए, कुरान करीम की छोटी सी आयत भी नहायत अजीम होती है। एक आयत है जो आप लोग की जबान के ऊपर है, अभी मैं पढ़ूंगा तो आप पूरी पढ़ देंगे। आयत एहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका क्या तर्जुमा करते हैं, इसका तर्जुमा ये करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा या हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। ये दो तर्जुमे होते हैं, ठीक है ना। हमारे आइम्मा ताहरीन ने इसका दूसरा तर्जुमा बताया, क्या बताया है, और आप पढ़ते हैं फरमान अली साहब जितने कुरान, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। ये कायम रख किसने बताया, मासूम ने बताया। अगर हम मासूम उनका मासूमीन का दामन न पकड़ते तो आज हम वही तर्जुमा हम भी करते कि हमें सीधा रास्ता देखा, मतलब अब तक देखा नहीं अब देखा। लेकिन मासूमीन ने बताया नहीं, तुम देख चुके हो, तुम्हें पता है, तुमने हमसे मालूम कर लिया है, हमारे रास्ते पे आ गए हो, अब इस पे साबित कदम रहना है। लिहाजा परवरदिगार से दुआ करते रहो कि महबूद इस रास्ते पे हमें साबित कदम रख। देखिए एक छोटी सी आयत है, आप इसका मतलब आप अपने मजहब के एतबार से कर रहे हैं। ये क्यों बताया मासूमीन ने, ताकि अपनी अक्ल के एतबार से नहीं अपने दीन के एतबार से तर्जुमा करें, इसकी तफसीर दीन के लिहाज से करें। हमारा ईमान क्या बताता है, हमारे मौला क्या बताते हैं, वाजे है ना। अगर आपने ये बात समझ ली है तो अभी हम एक छोटा सा अनुमान पेश कर रहे हैं, बस आज अनुमान ही बयान करेंगे। एक सर्वात पढ़े तो बताए तो हमारी बात का पूरा खुलासा ये हुआ कि इंसान की अक्ल एक अहम गौहर है, एक गौहर नायाब है, एक ऐसा इदराक है कि जिसकी निहायत कीमत है। इंसान इसके जरिए से अपनी तमाम कमालात को, अपने तमाम फजाइल को इकट्ठा कर सकता है। यही इंसान की अक्ल है, जिससे उसको शरफ मिलेगा, जिससे उसको दयानत मिलेगी, जिससे उसको तरक्की मिलेगी, जिसमें वो इंसान कहलाने के लायक है, जिसमें वो अपला तदब्बरून में तदब्बुर करने वालों में शुमार है, अपला याकिलून में अक्ल से काम लेने वालों में शुमार है। तो ये सब अक्ल के कमालात हैं, अक्ल के जरिए से इंसान कामयाबी को हासिल कर सकता है। मगर एक मंजिल ऐसी आती है जहाँ हमारी अक्ल काम नहीं करती है, सच बताइए कौन सी मंजिल है आबा, जहाँ कुरान की तफसीर करना होती है, कुरान के किसी मतलब को हमें समझना होता है। हाँ, किसी ने कहा था कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी, किसी ने कहा था, जिसने कहा था काफी है वो भी जिंदगी भर अली के पास जाता रहा, और ये आखिर में उसने भी कहा कि अगर अली न होते तो मैं हिरास हो जाता। उसे तो कुरान के मसले को हल कर लेना चाहिए, उसने कहा था कुरान काफी है, मालूम हुआ कि काफी नहीं था। तो आप एक मौजू है, एक हेडिंग है, बस उसी को बयान करेंगे, क्योंकि अपनी
इतना वक्त भी नहीं है, कहते इन हदीसहुम अलैहिस्सलाम सहबुन मुस्तसअबुन وعن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضل التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم. فإن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب. معصومين کی حدیثیں سخت ہوتی ہیں اور سب سمجھی جاتی بھی. معصومین کی حدیث ہر آدمی یعنی کہ جو بھی آیا حدیث بیان کر دے, میں نے تو یہ حدیث سنی, میں تو وہ حدیث سنی, اور یہ حدیث تو ایسی ہے, وہ حدیث تو ایسی ہے. نہیں, حدیث کوئی معمولی چیز نہیں, بالکل قرآن کی طرح. کیا قرآن کے سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو اپنا حق سمجھ لیا ہے, اب اس آیت کا جتنا بھی مطلب وہ سب میں جانتا ہوں, اس سے ہٹ کر کوئی اس کا مطلب نہیں. کیا آپ ایسے ہی قرآن کے بارے میں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے نا. حدیث کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. صعب مستصعب سخت ہے اور سب سمجھا بھی جاتا ہے. وَعَنَّ كَلَامُ ذُو وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ اور ائمہ طاہرین معصومین کے ارشادات بھی کئی وجہوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں. ہر ارشاد کا ایک مطلب نہیں ہے, کئی کئی مطلب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر معصومین نے یہ فرمایا اذا کان الماء قدر قرن لم ينجسه شيء, جب پانی بمقدار قر ہو تو اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. معصومین نے یہ فرمایا ہے, تو اب یہ آپ معصومین کی اس بات کو کئی وجہوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ قدر قر مقدار قر ٹنکی میں ہے تب بھی قر, سمجھ گیا, اگر حوض میں ہے تب بھی قر, پائپ کے ذریعے جو پانی گیا ہے اگر وہ بھی بمقدار قر ہے تب بھی قر. یہ ساری باتیں کیسے ہیں؟ کیونکہ اسی ایک حدیث سے یہ ساری وجہیں نکل پاتی ہیں. تو ان کے کلام ذو وجوہ کثیرۃ وفضل التدبر فی اخبارہم, اہل بیت کے ارشادات میں غور و فکر کرنے کے بھی نہایت فضائل موجود ہیں, اس کے بھی ثواب. اگر اہل بیت کے ارشادات میں انسان غور کرے, فکر کرے, دیکھے, نظر ڈالے, تو بالکل اس طرح سے کلام الہی میں نظر ڈالنے کا ثواب ہے. ارشاد کو بھی دیکھنے کا ثواب, تدبر یعنی غور اور فکر کرنا, ٹھیک ہے نا, کسی سے تدبیر نکلی. فی اخبار علیہ السلام و تسلیم لہم, اہل بیت کے سامنے سر کو خم کر لینا ہے. اہل بیت آپ وہ ذات اقدس ہیں کہ ہم کو ہر وقت آپ کو آگے سامنے رکھنا ہے, ہم آپ سے مطالب کو حاصل کریں گے اور لوگوں تک پہنچیں. آج جو ہمارا ممبر ہے وہ اسی لیے ہے ممبر. ممبر کس لیے ہے؟ ممبر اس لیے ہے کہ جیسے یہ سامعین بیٹھے ہوئے اور مولانا ممبر پہ آ گئے, اب مولانا جب ممبر پہ آ گئے اور سامنے سننے والے بیٹھے ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ اس مولانا کا, مولانا کا کام یہ ہے کہ جو معصومین سے لیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں, تو معصومین سے جیسے لیں ویسے ہی پہنچائیں, نہ اس میں گھٹائیں نہ اس میں بڑھائیں. اب ہٹانے بڑھانے کا اختیار نہیں ہے, مگر یہ کہ ایک مجتہد ہو جو اس کے طریقے کو سمجھتا ہو, اس کے سارے طریقوں کو معلوم ہو. تو اب ایسی صورت حال میں بس معصومین کے ارشاد کو من عن پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو ممبر پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ادھر سے لے ویسے ہی یہاں پہ پہنچائے, نہ اس میں کوئی نقطہ لگائے, ٹھیک ہے نا, نہ اس نقطے کے ذریعے سے واہواہی چاہے, بس جیسے بیان کر دیا ویسے ہی بیان کر دیا. یعنی اگر آپ کوئی نقطہ بھی بیان کرنا چاہیں تو آپ حدیث نکالیں, معصومین کے کلام سے نقطہ نکالیں, خود معصومین کا کلام ہی نقطہ بن جائے, الگ سے آپ کو نقطے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ معصومین کے کلام میں کہیں سے کوئی کمی نہیں رکھی گئی. آپ کو نقطہ بیان کرنا ہے, وہاں اتنا منبع بھرا ہوا ہے, مدرک میں اتنا سب کچھ ہے, اسی سے آپ لیجئے بیان کر دیجئے, نقطہ کی نقطہ ہے اور خود کلام معصومین. فرماتے ان حدیثنا صعب مستصعب, ہماری حدیث سخت ہے, سخت سمجھی بھی جاتی ہے. اب یہ جملہ اس کے بعد ہم گفتگو تمام کر رہے ہیں. لا یحتملہ ملک مقرب, اس حدیث در غور کیجیے, ہماری حدیث اتنی سخت ہوتی ہے, اتنی مشکل ہوتی ہے کہ مقرب فرشتہ بھی اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. لا یحتملہ, یہ کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, لا یحتملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل,
بعض روایتوں لا یحتملہ ملک المقرب، بعض روایتوں میں کہ ملک مقرب بھی نہیں اٹھا سکتا، بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں ملک مقرب میں اتنی صلاحیت دے دی گئی ہے کہ وہ اٹھا سکتا، تو جسے صلاحیت دی جائے گی بس وہی اٹھا سکتا ہے، ورنہ اہل بیت کے ارشادات کا بوجھ ہر ایک نہیں اٹھا سکتا۔ اور نبی المرسل، نبی جو کہ مرسل ہو رسول ہو وہ اٹھا سکتا ہے ان کے بوجھ کو، ورنہ اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اور عبد امتحان اللہ قلبہ للایمان، یا وہ بندے خدا اہل بیت کے ارشادات کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے جس کے دل کا امتحان اللہ نے لے لیا، وہی بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ تو معلوم ہو کہ کلام معصوم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس پہ ہم لوگوں کو خاص طور پر اس پہ توجہ دینا ہے کہ روایات کو اہمیت دینا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ان میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، معصومین کی روایت کو وہ بیان کرے جو اس کا اہل ہے، جو اس کے لائق ہے وہ بیان کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے قرآن میں اہم ترین سورہ ایک سورہ حمد ہے، سات آیتیں، لیکن اگر بسم اللہ کو ہٹا دیں تو چھ آیتیں، اس لیے بسم اللہ کا بھی ہونا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن میں قرآن کا حصہ ہے۔ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے، اور ہم اس وجہ سے بھی کہ معصوم نے فرمایا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ سورہ ہم سات آیتیں، کیونکہ قرآن کا سب آن میں نن مسانی، ہم نے اس سورے کو جس کا نام مسانی رکھا گیا ہے، مسانی یعنی دو بار نازل ہونے والا سورہ، اس کا نام مسانی، اس کو ہم نے سات آیتوں پر مشتمل قرار دیا ہے، تو کوئی آیت کو ہٹائے نہیں، کیونکہ اللہ نے سات آیتوں مشتمل قرار دیا۔ تو ہم نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پڑھتے گئے کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ، مالک یوم الدین تک پہنچے تھے، یہ تک پہنچے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک کے معنی کیا ہے، تیری ہی، خاص تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ عبادت تو کر رہا اکیلے، کہہ رہا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، سب کو اپنے ساتھ لے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ تیری عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، ائمہ طاہرین بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں، اگر کہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو ہم صرف میں ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ لوگ بھی جو ہیں یہ بھی کرتے ہیں، تو ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پیا کا نام دو۔ عبادت کے اندر بھی توحید چاہیے، یعنی یکتا ذات کی عبادت، ٹھیک ہے، توحید در عبادت، عبادت میں بھی توحید چاہیے، جس طرح سے صفات میں توحید، خدا رحمان ہے اور خدا کی طرح کوئی رحمان نہیں، خدا عالمین کا پروردگار ہے، تربیت کرنے والا ہے، خدا کی طرح کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، تو صفات میں بھی وہ واحد ہے، افعال میں بھی وہ واحد ہے، عبادت میں بھی وہ واحد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم سب تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد کبھی کبھی غیر سے مانگی جاتی ہے، مگر کہتے ہیں کہ اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہاں اب دیکھ لیجیے، ایک باغ ہے آپ جس کے اندر آم پھلے ہوئے، آم پھلا ہوا ہے، اور آم اس قدر زیادہ آ گیا کہ ایک شاخ آم کے بوجھ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے نیچے کی طرف گرنے لگی، جب نیچے کی طرف گرنے لگی تو ایک باغبان بھی موجود ہے، باغ کی دیکھ بھال کرنے والا ایک موجود ہے، اس نے اس پیڑ کے اس شاخ کی زبان کو سمجھ لیا،
कि अब शाह गिर रही है यानी मदद मांग रही है कि हमें गिरने से बचाओ। तो क्या करता है वो, फौरन जाता है, एक कोई लकड़ी उससे सुना के उसके नीचे एक सहारा दे देता है। अब डाल रुक गई, हल महफूज, रहमत इलाही का बोझ उसके ऊपर है लेकिन अब ये महफूज है। तो डाल ने मदद मांगी, मदद किया एक बागबान ने। हाँ, अगर हम कभी कोई सूरत ऐसी होती कि हम ताहिर से मदद मांगते हैं तो दर हकीकत अल्लाह से मदद मांगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये डाल मदद मांग रही किससे, एक बागबान। क्या आपने नहीं देखा, अक्सर देखा जब छोटे छोटे बच्चे कहीं खेलने जाते हैं या पिकनिक वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं कि आम है, फल कोई लगा हुआ है तो पके फल पे जल्दी नजर पड़ती है। बेटा आता है, बच्चा आया और बाप के दामन को पकड़ लिया, हिला रहा है, हिला रहा है, क्या है क्या है, कहा कि वो फल हमको चाहिए। तो ये कहे, ये कह सकता है, हो सकता है कहेगी कि फल तो पेड़ के ऊपर जाओ उसे हिलाओ, मुझे क्यों हिला रहा है। तो ये बच्चा की, बच्चे की जबान, वो ये कहना चाहता है कि बाबा मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता, आप पहुंच सकते हैं, आप वहां से लीजिए और हमें दे दीजिए। मासूमीन भी इसी तरह से, अरे मासूमीन हमारे हाथ अल्लाह तक नहीं पहुंच पाते, आप जरिया हैं, आप वहां से लीजिए और हमें दे दीजिए, समझ गए, क्योंकि आपके पहुंचते हैं हमारे नहीं पहुंच पाते। तो अगर कभी इस तरह की बात होती है तो वो भी अल्लाह से मदद लेना ही है, किसी और से मदद लेना नहीं है। वरना हम तो सूरज से भी मदद लेते हैं शिवाओं के जरिए, वरना हम हवाओं से मदद लेते हैं अपने तमाम कारोबार में, अपने खेत बाड़ी में, वरना हम सारी चीजों से आग और खाक से मदद लेते हैं अपने घर की तामीरात में, तो क्या हम इनसे मदद लेते हैं, दर हकीकत खालिक से मदद लेते हैं जिसने इनको पैदा किया है, वरना जमीन ही ऐसी बनाता कि उसके ऊपर घर ही नहीं बन सकता, या इतनी सख्त बना देता कि खुदाई ना हो सकती और न्यू नहीं बन सकती थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि इसमें आप सब कुछ कर सके। वाज़ेह है कि या नाबुदो व या का नस्तईन, उसी से मदद मांगते। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, माबूद हमें सिरात मुस्तकीम की मुस्तकीम पर साबित कदम रख, ये तर्जुमा हमारे यहाँ का है, क्योंकि मौलाए कायनात फरमाते आदिम लना तौफीक लदी, माबूद हमारी उस तौफीक को जारी रख जो गुज़श्ता में तूने हम पर तौफीक दी थी कि हम कदम रखते थे हिदायत की तरफ, उस हिदायत वाले कदम को जारी रख, अभी भी साबित कदम रख ताकि हम मुस्तकबिल में भी उसी हिदायत पर कायम रहे। ये तर्जुमा मौलाए कायनात का है, मौलाए कायनात ने फरमाया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा ये करो कि माबूद हमें उस रास्ते पर कायम रख जिस रास्ते में हम माजी में गुज़श्ता में थे, आइंदा भी उसी पर हम बाकी रहेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बस इसी के जुमले पे हम खत्म कर रहे हैं। मासूमीन फरमाते नहनु सिरात, हम ही सिराते मुस्तकीम हैं, हमारी मार्फत ही खुदा की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता। अगर तुमने हमारी मार्फत हासिल कर ली तो यकीनन खुदा की तरफ तुम चलोगे। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफैल में हमको मार्फत खुदा और रसूल और अलीमत ताहिरीन के नाम फरमाते। परवरदिगार यकीनन हमसे खताएँ होती हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम गुनाहगार हैं, तो आलिम गैब पर शहादा हर दिल की खबर रखता है। मामूल यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं किस नीयत से आए हुए हैं, परवरदिगार हमारी नीयत को खालिस फरमा दे, महज दीन के लिए और इल्म और अमल दोनों के लिए यहाँ पे हम आए और हमें अमल की तौफीक इनायत फरमा। जमाने के ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हजरत का ज़ुहूर हम सब अपने आफियत करा। सवाल हो।